बेतिया में एसपी के निर्देश पर बजारा टीमों और मझोलिया पुलिस की संयुक्त छापेमारी में थाना क्षेत्र के विभिन्न ठिकानों से चार प्राथमिकी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर मेडिकल के जांचोपरांत न्यायिक हिरासत में बेतिया भेज दिया। बता दें कि बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के निर्देश पर लगातार छापेमारी की जा रही है, जहाँ पर बाजरा टीम और मझोलिया पुलिस की संयुक्त छापेमारी में थाना क्षेत्र के विभिन्न ठिकानों से चार प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मेडिकल के जांचोपरांत उन्हें न्यायिक हिरासत में बेतिया भेज दिया गया। यह जानकारी स्वयं थाना अध्यक्ष अशोक कुमार साह ने दी। उन्होंने बताया कि नमन के विरुद्ध निम्नलिखित थाना कांड संख्या में 432/22 दिनांक 14/6/2022 धारा 37-45 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम प्राथमिकी नामजद के खिलाफ कार्यवाही कर न्यायिक हिरासत में बेतिया भेज दिया गया। मझोलिया थाना और जिला के बजरा टीम के संयुक्त छापेमारी के तहत रात्रि में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें है एक शराब के कांड है शामिल है, रफीक देवान पिता आसिफ देवान मझोलिया देवान टोली के है, एक है मिठू मुखिया पिता स्वर्गीय लक्ष्मण मुखिया शेख मजरिया कचहरी टोला के हैं, एक अन्य कांड है 69/22 जो SC/ST का कांड दर्ज किया गया था पूर्व में, जिसके प्राथमिकी अभियुक्त थे अखिलेश शाहनी पिता रामजी शाहनी, ये राजाभार वार्ड नंबर 5 के हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य कांड मारपीट का कांड है, जिसके प्राथमिकी अभियुक्त थे परवेज आलम पिता तबरेज आलम साजिब प्रसाद टोला डुमरिया वार्ड नंबर 7, इनको गिरफ्तार कर सभी को गिरफ्तार कर अवतर करवाई हेतु न्यायालय। मझोलिया पश्चिमी चंपारण से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट R9 भारत के लिए।